हम बाबा के सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए आए। हम कल से दो दिन से धक्के खा खा करके जा रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, कह रहे बिना टोकन के नहीं जाने दिया जाएगा बिना पास के। हम कहाँ और कल हमारे को वहाँ पे मिले शंकराचार्य पे, कोई कहता 60,000 लेते, कोई कहता 7,000 लेते, हम कहा हम क्या किडनी बेच देंगे। बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है, देश विदेश में उनके लाखों अनुयायी भी हैं। जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचते हैं तो उनके समर्थकों का अंबार लग जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जहां कहीं भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं वहां पंडाल में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। मगर अब तो आलम यह है कि लोग बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन के लिए 50,000 की पर्ची तक कटवा रहे हैं। गया में बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अगर दर्शन करना है तो आपको 7,000 से लेकर 60,000 तक की रसीद कटवानी पड़ेगी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, अगर आपको बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करना है तो आपको 7,000 से लेकर 60,000 तक की रसीद कटवानी होगी, तभी आपको उनके दर्शन हो सकते हैं, नहीं तो बाहर बने पंडाल में इंतजार करते रहिए। एक भक्त ने 54,000 की रसीद कटवाई है और वो कह रहे हैं कि बस हमको बाबा के दर्शन करने हैं। बिहार के गया जी धाम में पितृपक्ष मेला के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का आगमन ज्ञान की भूमि बोधगया में हुआ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोधगया के संबोधि रिट्रीट में 27 सितंबर रात्रि में पहुंचे थे। बाबा बागेश्वर धाम सरकार 3 दिन तक बोधगया में रुककर अपने 200 अनुयायियों के साथ पिंडदान कर्मकांड करेंगे, साथ ही संध्या में वह अनुयायियों और खास लोगों के साथ प्रवचन कर रहे हैं। वहीं गया जिले के आसपास और दूसरे प्रदेश से बाबा के भक्तगण बाबा की एक झलक पाने के लिए बाहर बने पंडाल में सुबह से इंतजार में बैठे कब बाबा की एक झलक मिल जाए। इस संबंध में दिल्ली से आए एक भक्त राधा रानी ने बताया कि बाबा का दर्शन के लिए कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहा। इतना ही नहीं, राधा रानी ने आरोप लगाते हुए बताया कि बाबा से दर्शन करने के लिए टोकन की जरूरत है, जिसके पास टोकन है वही लोग दर्शन कर पा रहे हैं। वो महिला भक्त टोकन शंकराचार्य मठ की बात कह रही है कि वहीं से टोकन 7,000 से लेकर 60,000 रुपये में मिल रहा है। हम अपाहिज हैं और चलने में दिक्कत हो रही है, हम किडनी बेचकर टोकन खरीदें। बाबा जी बहुत अच्छे हैं, गरीबों के हक की बात करते हैं, लेकिन उनके नाम पर लोग बिचौलियों की तरह खेल खेल रहे हैं। अगर बाबा जी को पता चलेगा तो उन लोगों की ऐसी की तैसी कर देंगे। आपका? राधा रानी है मेरा नाम। हम दिल्ली से आए हैं। हम बाबा के सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए आए। हम कल से दो दिन से धक्के खा खा करके जा रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, कह रहे बिना टोकन के नहीं जाने दिया जाएगा बिना पास के। हम कहाँ जाएं, हमारे को पता होना चाहिए था ना, इनको पहले अनाउंस करना चाहिए कि हम लंगड़े लूले आदमी हैं, हम किस तरह से दर्शन करें, दर्शन के लिए आए हैं ना, तो साफ मना कर दिया कि नहीं जा सकते। और कल हमारे को वहाँ पे मिले शंकराचार्य पे, कोई कहता 60,000 लेते, कोई कहता 7,000 लेते, हम क्या किडनी बेच देंगे। बाबा से दर्शन करने के लिए रसीद? हाँ, वहाँ रसीद, वहाँ पे सब लोग एक अरे कितने लोग वापस चले गए कल भी बस है? कोई तो कह रहा 60,000, कोई कह रहा 7,000, कह बिना पैसों के बिना टोकन के किसी को नहीं अंदर जाने दे रहे। अच्छा, वही पैसा लीजिए दे के टोकन कटाइए फिर दर्शन। हाँ ऐसे बोल रहे हैं, पर हाँ यहाँ पर तो बोला मैंने, पूछा, ये कह रहे टोकन के बिना नहीं जाने देंगे। और जब रास्ते से हमें ये पता चला कि बिना पैसे का टोकन पैसे से टोकन कटता है, अगर उससे उसके बिना नहीं जाने देंगे। बाबा तो बोलते हैं कि हमारे पास कोई, बाबा कहते हैं, बाबा तो कहते हैं, ऊपर वाले क्या करते हैं बेचारे को क्या पता, बाबा में कोई कमी नहीं है, बाबा तो सबका साथ देता है, सब गरीबों का साथ देता है, दुखियों का साथ देता है, पर जो अब अंदर जाने नहीं दे रहे तो उनका क्या वो क्या करें, वो एक एक को थोड़ा देखेंगे आकर के, पर इनको जाने देना चाहिए। हम दिल्ली से धक्के खाते हुए आए, 3 दिन हो गए हमें परेशान हुए होते हुए, 26 तारीख से हम धक्के खा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सब बिचौलिया लोग ऐसे काम कर रहे हैं? अब वो ही करते होंगे, पर बाबा नहीं करवाता ना, बाबा करता, बाबा को पता चले तो उनकी ठटरी ना बांध दे ढंग से, बाबा को पता नहीं है कि कोई लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं अब तो बाबा को पता चलेगा नीट के माध्यम से, अब पता चल जाए तो बड़ी मेहरबानी, कम से कम हमारे लंगड़े लूले आदमी की तो कम मदद करें, हम कितने परेशान रहो वो भी है। कैसे पता होगा बताओ, दर्शन भी नहीं दे रहे हैं हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि दर्शन देंगे। मेरा नाम राधा रानी है।
हम लोग 3 बजे। वहीं पूनम कुमारी गुप्ता बोधगया से अपने बच्चे को दिखाने और आशीर्वाद लेने के लिए बाबा से मिलने आए हैं। पूनम कुमारी ने बताया कि मेरा बेटा मुख बधिर है और बाबा से आशीर्वाद लेने और देखने के लिए आए हैं, लेकिन सुबह से ही अभी तक हम दर बदर भटक रहे हैं, बाबा जी के दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जो लोग VIP हैं उन लोगों को अंदर मिलने दिया जा रहा है, हम लोग आम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। वहीं गया जिले के खिजर सराय से पूनम देवी आई हैं और बताया कि बाबा की भक्त हैं, सुबह से यहाँ आई हुई हैं बाबा के दर्शन और एक झलक पाने के लिए। वह बाबा जब पटना के नौबतपुर में आए थे तब भी हम उनके मिलने और दर्शन के लिए गए थे, लेकिन हम उनके बहुत बड़े भक्त हैं और उनका एक झलक पाने के लिए ललायत हैं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कर्मी द्वारा अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। जो लोग VIP हैं उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है, बाबा का दर्शन आम लोगों के लिए बंद है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।